नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे रेन लिली की। दोस्तों ये बारिश का फूल है और जैसे ही रेनी सीजन शुरू होता है इसके फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। ये हमें तीन कलर में मिल जाता है, पिंक, येलो और वाइट। पिंक कलर का फूल दोस्तों काफ़ी बड़ा साइज़ में होता है और जो वाइट और येलो रंग के फूल हैं दोस्तों उनकी जो साइज़ है थोड़ा छोटा होता है। इन्हें आप दोस्तों रेतली मिट्टी में लगा सकते हैं, इन्हें ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती और इनका फूल एक दिन खिला रहता है और नेक्स्ट डे ये मुरझा जाता है। अगर आप इसके बीज लेना चाहते हैं दोस्तों तो आप इस फूल को तोड़े नहीं और जैसे ही ये फूल मुरझाता है तो उसके ऊपर इसके बीज ग्रो होंगे तो उससे आप इसको लगा सकते हैं। और इस चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों कि जब इसके फूल सूख जाते हैं तो उसको साथ के साथ निकालते रहें। ऐसा करने से दोस्तों नए नए बर्ड्स आएंगे और फूल खिलेंगे। ये रेनी सीजन का फूल है तो इसे ग्रो करने के लिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि अगर हम इसके बल्ब और या हम इसे बीज से लगाते हैं तो रेनी सीजन से पहले हम इसे ग्रो करें, यानी मई जून में इसे हम लगा दें ताकि रेनी सीजन तक हम इसके फूल पा सकें। लगाते समय दोस्तों ध्यान रखें कि जो आप इसका बल्ब लगाएं वो बड़ा साइज़ में हो ताकि उसे ग्रो होने में ज़्यादा टाइम ना लगे और आपको जल्दी फूल मिल सके। आप इसे बीजों से लगा सकते हैं लेकिन बीजों से दोस्तों काफ़ी टाइम लगता है। पहले बीज ग्रो होंगे, फिर पौधे निकलेंगे, फिर उसके बाद जब उनकी ग्रोथ होगी तब फूल आपको मिलेंगे। तो ये आसान तरीका है दोस्तों कि आप इसे बल्ब से लगाएं। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि ये देखिए मैंने इसका ये बल्ब निकाल के रखा हुआ है। तो आप लगाते समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि उतनी गहराई में लगाएं कि इसका जो बल्ब है वो मिट्टी से ढक जाए। और कुछ दिन इसे छाया में रहने दें दोस्तों। जैसे ही ये पौधे में मिट्टी सूखती है तो इसमें पानी ज़रूर डालें। ज़्यादा फूल लेने के लिए दोस्तों आप इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, इसे बनाना पील्स का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं और इसमें गोबर खाद भी डाल सकते हैं। इसे ना ही बढ़िया सॉइल और ना ही ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है तो आसानी से लग जाता है। तो आप इसे अपने घर में ज़रूर लगाएं। आशा है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे लेती हूँ। थैंक यू, शुक्रिया।